गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 7.4 के लेक्चर नंबर 2 में हैं। टुडे वी डिस्कस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स। हमने 5 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, एन डिफरेंट थिंग्स को लाइन में रेंज करना था एन फैक्टोरियल से, एन में से पी को रेंज करना था एन पी आर वे से, इकट्ठे जिसको करना था सेट में बना लेते थे, किसी को इकट्ठे नहीं करना तो बीच में कुछ ना कुछ बिठाते रहते थे। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो कॉन्सेप्ट नंबर 6 है। वो क्या कह रहे हैं, इफ एन डिफरेंट थिंग्स हैं आर ऑफ वन काइंड, एक तरह एंड एन डिफरेंट थिंग्स हैं ऑफ सेकेंड काइंड एनी, आर अरेंज करने alternatively, alternative का मतलब समझते हैं, आर अरेंज करने alternatively, alternatively का मतलब समझते हैं, x फिर y फिर x फिर y फिर x फिर y, क्या मतलब, मतलब एक के बाद दूसरा फिर दूसरा बन, जैसे एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है बता रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, जैसे एग्जाम्पल है थ्री बॉयज हैं B1, B2, B3 एंड थ्री गर्ल्स हैं आर अरेंज करने अल्टरनेटिव, तो कैसे अरेंज करेंगे, इसमें दो केस बनेंगे और केसेस हमेशा ऐड होते हैं कि लाइन बॉय से शुरू होगी या फिर गर्ल्स से स्टार्ट करेंगे। लाइन में करने सारी अरेंजमेंट है सेकंड काइंड, आर अरेंज करना है अल्टरनेटिवली इन अ लाइन में, अभी फिलहाल लाइन चल रहा है सारा बताने की जरूरत ना, जैसे एग्जांपल है तो केस वन में व्हेन लाइन स्टार्ट फ्रॉम वॉइस लाइन कैसे स्टार्ट करेंगे वॉइस, तो क्या होगा, अब हमने तीन जगह अरेंज करने, पहली पोजीशन पे कौन आएगा, बॉय वन भी आ सकता है, बॉय टू भी, बॉय थ्री भी, पहले को बनने के तीन वेज हैं, बॉय टू आ गया मान लो, अगले को बनने के लिए कितने वेज है सोचोगे, दो, या तो बॉय वन या बॉय थ्री, और अगले को बनने का एक, और अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ, अभी तो बॉयज आए, अब गर्ल्स को भी तो अरेंज करना है, करना है पर स्टार्ट किससे करना है, कह दिया उसने बॉय से, तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में एक एक प्लेस छोड़ दो पर स्टार्ट कहता है बॉय से करो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली प्लेसेस छोड़ दो, एक दो तीन, अब पहली गर्ल को बिठाने के लिए तीन गर्ल्स हैं, मान लो तीन गर्ल्स कौन सी दी हैं, G1 G2 G3, अब पहली गर्ल को बिठाने के लिए एक दो तीन, क्योंकि यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि स्टार्ट बॉय से कर रहे हो अब तुम ऑलरेडी, है ना, पहले बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल, तो पहली गर्ल को बिठाने के लिए कितने वेज होंगे, तीनों में से G2 को बिठा लो तीन वे से, फिर G1 को बिठा लो दो वे से, फिर G3 को उठा लो एक वे से, तो कितना हो गया सोचिए, जरा ये आ गया 3 factorial into 3 factorial, ये तो बन गया एक केस। दूसरा केस, सेकंड केस, केस टू है व्हेन जो लाइन होगी स्टार्ट होगी फ्रॉम गर्ल से, तो वही बनेगा सेम बनेंगे, सोच लो पहले गर्ल से स्टार्ट करनी है G1, G2, G3, पहली गर्ल को उठाने के लिए तीन वेज, फिर क्या होगा दो वेज, फिर क्या होगा एक वेज, फिर एक दो तीन, पहले बॉय को उठाने के लिए कितने वेज है तीन वेज, फिर अगले बॉय को उठाने के लिए कितने वेज है दो वेज, अगले बॉय को उठाने के लिए कितने वेज है एक वेज, तो कितना आ जाएगा सोचोगे 3 factorial into 3 factorial, टोटल केस सोचो कितने बन जाएंगे, टोटल केस 3 factorial into 3 factorial plus 3 factorial into 3 factorial, twice of 3 factorial into 3 factorial, आंसर तो वही कह रहा हूँ, यहाँ पे भी अगर n different things हैं, अरेंज करना है, क्या बोला alternatively, तो कैसे अरेंज करेंगे n factorial into, एक चीजों के लिए n factorial का दुगना
ये दुगना क्यों लगा है? ये दो केस हैं। दो केस का मतलब आइदर जो लाइन, अगर एग्जांपल सोचूं, लाइन जो है वो स्टार्ट होगी वन काइंड से या फिर सेकंड काइंड से, और सेकंड काइंड से, या तो वन काइंड से स्टार्ट करो या सेकंड काइंड से। अगला है सेवन, टेन डिफरेंट थिंग्स हैं, समझ गए हो? या तो बॉय से लाइन स्टार्ट करो या गर्ल से। टोटल केस क्या बनेंगे? दोनों को ऐड करा लेना। ऐड कराओगे तो क्या आएगा बताओगे? ऐड कराओ, 3 फैक्टोरियल दिख जाएगा यहाँ पे। इधर लिखूं, इधर लिख देता हूँ टोटल केस, यहाँ पे देख लो टोटल केस, यहाँ लिख देता हूँ क्या आएगा। 3 फैक्टोरियल प्लस क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ, दुगने हो जाएंगे। 3 फैक्टोरियल ऐड करा लो। लो यार कमाल होगी यार तुम्हारे लिए, कहते हो कैसे आएगा, कॉमन ले लो लो। तो कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 1 प्लस 1, तो कितना आएगा? 2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। चलिए कंसेप्ट नंबर 7, सेवंथ कंसेप्ट लगेगा। क्या बनेगा? इफ एन डिफरेंट थिंग्स हैं, आर ऑफ किस काइंड की होंगी सोचो जरा, वन काइंड की, एंड एम डिफरेंट थिंग्स हैं, आर ऑफ क्या होंगी सेकंड काइंड की, एन डिफरेंट थिंग्स हैं वन काइंड की, एंड एम डिफरेंट थिंग्स हैं आर ऑफ सेकंड काइंड की, आर अरेंज करना है सच दैट देयर रिलेटिव पोजीशन रिमेन सेम। अरेंज करना है किसमें वाला, इन अ लाइन में, सच दैट देयर रिलेटिव, यहां पे अलग हो सकते हैं, देख रहे हो, एक को मैंने n माना है और दूसरे को मैंने m माना है, m m डिफरेंट थिंग्स मानी। m माना है, एक को n माना है, एक को m माना है, तो n डिफरेंट थिंग्स ऑफ वन काइंड एंड m डिफरेंट थिंग्स आर ऑफ सेकंड काइंड है, आर अरेंज करने ने लाइन में सच दैट देयर रिलेटिव पोजीशन रिमेन क्या रहेगी, सेम। दैट मींस डू नॉट चेंज, उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगी। रिलेटिव पोजीशन का मतलब समझते हो, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं होना, जिस पोजीशन बैठे हो बैठे रहोगे। समझ नहीं आया, बता रहा हूं, देखो जरा एग्जांपल है। द लेटर ऑफ द वर्ड डेली आर अरेंज सच दैट वॉवल्स रिलेटिव पोजिशन ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट रिमेन सेम। कहते हैं कितने वे से होगा बता रहा हूं, इक्वल्स टू कहते हैं द लेटर ऑफ द वर्ड, द लेटर ऑफ द वर्ड daily can be arranged such that, इस तरह से arrange करो letter of the word daily को, इस तरह से arrange करो such that in a line में, understood है, understood है, चली वही exercise रही है, in a line में such that जो relative position होगी, रिलेटिव पोजीशन का मतलब समझा रहा हूँ, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स रिमेन सेम, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स रिमेन सेम, दैट मीन्स डू नॉट चेंज, ऊपर लिखा है। तो इसमें वॉवल्स हैं कितने बताओ, वॉवल्स कितने हैं, ई और आई, कॉन्सोनेंट कितने हैं, डी एल एच, कहता इस तरह से अरेंज करो कि इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज होनी चाहिए, किसकी बोला, कॉन्सोनेंट वॉवल की,
तो पहले ई आई को अरेंज कर लो, वावल्स को अरेंज करने के लिए कितने तरीके हैं सोचो, वावल्स को अरेंज करो, पहला वावल कितने तरीकों से अरेंज होगा, दो वे से, ई आ सकता है या आई आ सकता है, ई आ सकता है या आई, मान लो ई आ गया तो अगले वावल को अरेंज करने के लिए कितने तरीके हो गए, एक तरीका हो गया। क्या मतलब, पहले वावल को अरेंज करने के लिए ई आएगा या आई आएगा, दो तरीके, अगले वावल को अरेंज करने के लिए एक तरीका, अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ। कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है, कॉन्सोनेंट वावल वन वावल टू अरेंज कर रही है, अब तीन कॉन्सोनेंट अरेंज करने हैं, कॉन्सोनेंट कितने वे से अरेंज करेंगे, तो पहला कॉन्सोनेंट डालूंगा कॉन्सोनेंट वन या तो डी डालूंगा, कॉन्सोनेंट टू कॉन्सोनेंट थ्री, पहला या तो डी डालूंगा या एल डालूंगा या एच, कितने में से, तीन में से, फिर डी डाल दिया, फिर मैं क्या डालूंगा, मान लो डी डाल दिया, फिर मैं क्या डालूंगा, डी डाल दिया, मान लो तीन में से, इन टू एल या एच में से डालूंगा, मान लो एच डाल दिया दो में से, फिर क्या डालूंगा, एल डालूंगा, कितने में से, एक में से, तो कितना आ गया सोचो, टू फैक्टोरियल इन टू थ्री फैक्टोरियल। पर सुनना आराम से, ऐसा भी तो हो सकता है इनकी पोजीशन चेंज हो जाए, क्या मतलब, नीचे दिखा रहा हूँ, मेरा मतलब ई आई ये हो गए वावल्स, कॉन्सोनेंट ये हो गए, ये आ गए वावल्स आ गए टू फैक्टोरियल वे से, कॉन्सोनेंट आ गए थ्री फैक्टोरियल वे से, इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाए, रिलेटिव पोजीशन मतलब समझते हो, डी एच एल आगे आ जाए और ई आई बाद में चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, इधर देखो तो क्या होगा, ई आई को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, टू फैक्टोरियल, DHL को अरेंज करने कितने तरीके होंगे, 3 फैक्टोरियल, ऐसा भी हो सकता है, अपनी क्वेश्चन को शफल कर दें, मेरा मतलब इनटू 2 फैक्टोरियल लगेगा, किसके लिए, DHL आगे आ जाए और EI बाद में चला जाए, इसका क्या होगा, मेरा मतलब दूसरा केस, एक केस तो ये वावल्स आगे कंसोनेंट पीछे, एक केस ये कि कंसोनेंट आगे वावल पीछे, ये वाला भी लगेगा, नहीं, रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, लिख रहा हूं, रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन का मतलब, रिलेटिव पोजीशन का मतलब होता है मींस एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, समझ रहे हो, डब्ल्यू आर टी ओ, विद रिस्पेक्ट टू, नहीं समझ रहे हो, पहले मैं एक बार दोबारा लिखवा दूं, रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, चेंज नहीं होना, रिलेटिव क्वेश्चन मतलब एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं हो, क्या मतलब, जैसे मान लो आप क्लास में आए, मैंने गर्ल्स को कहा इधर बैठ जाओ, बॉयज को कहा इधर बैठ जाओ, तुम अगले दिन आए, गर्ल्स को फिर कहा इधर बैठ जाओ, बॉयज को फिर कहा इधर बैठ जाओ, ऐसा हो सकता है जो कल गर्ल यहाँ बैठी थी वो पीछे बैठ जाए, जो पीछे बैठी थी आगे आ जाए, गर्ल्स आपस में शफल कर लेंगे, बॉयज भी आपस में शफल कर लेंगे, पर बॉयज गर्ल्स की जगह पे और गर्ल्स बॉयज की जगह पे नहीं जा सकते, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन जो रहेगी, कहता है वो क्या रहनी चाहिए, रिमेन सेम, रिलेटिव पोजीशन ऑफ किसकी वाला, कॉन्सोनेंट वावल, रिमेन सेम, कहता है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रिमेन सेम रहनी चाहिए, आपस में ये इधर चला जाए, ये नहीं बनता, जहां एक बार बैठ गए वावल, जहां एक बार बैठ गए कॉन्सोनेंट, बस दैट्स ऑल, आर वो दो केस नहीं बनते, कौन से दो केस, कि पहला केस वावल्स आ जाए कॉन्सोनेंट, पहले कॉन्सोनेंट दूसरा वावल, वो वाला केस नहीं बनता, तो आंसर क्या आता है, टू फैक्टोरियल इनटू थ्री फैक्टोरियल, तो इसका आंसर क्या होगा, जो ऊपर वाला है अगर आपको दिख जाए तो मैं कलर रेड से लिख देता हूँ, एन फैक्टोरियल एक का एन कहते, तो एन फैक्टोरियल इनटू एम फैक्टोरियल, बस आंसर सीधा सीधा, वावल्स कितने थे, दो, तो क्या आएगा, टू फैक्टोरियल, वावल्स कितने थे, दो, तो क्या आएगा, टू फैक्टोरियल, कॉन्सोनेंट कितने थे, तीन फैक्टोरियल, ये टू फैक्टोरियल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, टू फैक्टोरियल किसके लिए, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, डी एच एल इधर आ जाए या इधर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जब कह दिया कॉन्सोनेंट पैक वॉवल्स पहले आ गए कॉन्सोनेंट बाद में, अब चेंज नहीं करो, पहले कह दिया भैया लड़के लड़कियों को, हाँ भी अपनी अपनी रो चुन लो, मां लड़कियां यहां बैठ गई, लड़के यहां बैठ गए, बस अब आपको यहीं बैठना है, हाँ लड़कियां आगे पीछे आपस में पोजीशन चेंज करेंगी, बॉयज आगे पीछे अपने में चेंज करेंगे, पर इधर का उधर और इधर का
उधर नहीं करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 8 है, नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 8 आउट ऑफ टोटल एन डिफरेंट थिंग्स एम थिंग्स एन में से एम थिंग्स एम छोटा होगा इनसे एम थिंग्स आर अरेंज करनी है बिटवीन टू पर्टिकुलर थिंग्स और ये कह सकते हैं एम थिंग्स आर अरेंज देयर आर ऑलवेज एम थिंग्स और देयर आर ऑलवेज एम थिंग्स बिटवीन टू पर्टिकुलर थिंग्स आउट ऑफ टोटल एन थिंग्स टोटल एन थिंग्स हैं उसमें से एम थिंग्स हमेशा ही देर आर ऑलवेज लाइज एम थिंग्स बिटवीन लिखा हुआ है बिटवीन ऑलवेज लाइज लाइज करती है एम थिंग्स बिटवीन टू पर्टिकुलर थिंग्स आउट ऑफ टोटल एन थिंग्स टोटल एन थिंग्स में से पर्टिकुलर देयर आर ऑलवेज लाइज एम थिंग्स बिटवीन टू पर्टिकुलर थिंग्स आउट ऑफ टोटल एन थिंग्स क्या मतलब बता रहा हूं एग्जांपल कहता है अरेंज करो लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन सच दैट या ऐसा करो अरेंज करो लेटर ऑफ द वर्ड मदर सच दैट देयर आर ऑलवेज टू लेटर या थ्री लेटर बिटवीन एम एंड एच ये कहना चाहता है वो कहता है मदर वर्ड दे दिया गया कहता है उसमें अरेंज करना है क्या बोला इस तरह से अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड्स मदर सो दैट देयर आर ऑलवेज थ्री लेटर बिटवीन एम एंड एच एम और एच के बीच में हमेशा तीन लेटर आएंगे स्टार्ट किसे भी हो जाए पर एम और एच में क्या होना चाहिए तीन लेटर तो केस बनेंगे पहला केस केस वन सबसे पहला केस है क्या केस बनेगा देखो जरा केस वन है मैंने एम कह दिया फिर उसके बीच में लेटर वन लेटर टू लेटर थ्री फिर एच कह दिया टोटल है कितने लेटर देखो एक दो तीन चार पांच छह एक दो तीन चार पांच और फिर क्या आएगा मान लो एम और एच के कितने आने चाहिए तीन लेटर फिर एच फिर ये केस टू क्या बोला एम एक दो तीन एच और भी केस बनेंगे सोच लेना एम से मैंने स्टार्ट किया फिर तीन लेटर आप बोलोगे केस तीसरा ही बनेगा बताओ पहले दो लेटर छूट जाए कोई भी फिर एम फिर दो फिर एच ये गलत है दो तो छूट ही नहीं सकते कितने छोड़ने हैं तीन लेटर समझ में नहीं आया सर दोबारा समझ लो केस चौथा तुम सोच रहे हो कहीं एक दो छोड़ दो फिर एम एक दो तीन एच तो लेटर बन गए एक दो तीन चार पाँच छ सात गलत है टोटल लेटर कितने इसके अंदर गिन लो एक दो तीन चार पाँच छ टोटल लेटर कितने इसके अंदर सोचो टोटल लेटर कितने इसके अंदर छ
तो एम और एच के बीच में हमेशा कितने लेटर आने चाहिए? तीन। कौन से? कोई भी आ जाए। तो पहले मैंने क्या किया, एम, फिर क्या आ गया, लेटर वन, लेटर टू, लेटर थ्री, लेटर फोर, टोटल छह बन गए। एम और एच को छोड़ दो, एम ओ टी एच ई आर, एम और एच को छोड़ दो। तो लेटर वन को बनने के लिए या तो ए बन सकते हो या टी या ई या आर। तो पहले को बनने के लिए कितने वेज होंगे? चार। लेटर टू को बनने के लिए तीन, अगले लेटर को बनने के लिए दो, अगले को बनने के लिए एक। तो कितने वेज आ गए सोचो? 24 वेज, मतलब 4 फैक्टोरियल वेज। नहीं समझ रहे हो? मैंने M और H, ध्यान से सुनो, M और H के बीच में हमेशा कितने लेटर होने चाहिए? तीन। तो मैंने पहले M डाल दिया, फिर तीन लेटर, फिर तो H डालूंगा। तो फिर पहले लेटर को बनने के लिए कितने वेज हैं? चाहे O डाल दूं, चाहे D डाल दूं, चाहे E डाल दूं, चाहे R डाल दूं। तो पहले बनाने चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल। पर ऐसा भी तो हो सकता ना, क्या H पहले आ जाता, M बाद में आ जाता? मतलब M और H की शफलिंग इनटू क्या लगेगा? 2 फैक्टोरियल। सोच लो क्यों लगेगा, M पहले भी हो सकता था, H बाद में, या फिर H पहले M बाद में, कुछ भी आ कर सकते। फिर पहले को एक लेटर आ जाता, फिर M आ जाता, एक दो तीन। तो पहले लेटर को बनने के लिए कितने तरीके हैं? चार। दूसरे लेटर को तीन, तीसरे लेटर को दो, चौथे लेटर को एक। तो कितना आएगा सोचोगे? 4 फैक्टोरियल इंटू एम और एच के आपस में शफलिंग करा लो, शफलिंग इंटू क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 फैक्टोरियल? हो सकता है क्या बोला, एच पहले आ जाए और एम बाद में? और कोई केस हो सकता है? नहीं, आप करा लो, बोलो, आप जो बोलोगे वो लगा दूंगा। एच दूसरे नंबर पे छोड़ के बाकी कहीं वो लगाओ, लगाओ। आप बोलते सर पहले वो लगा लो, लगा लो, फिर लगाते हो, कहते टी लगा लो, फिर एम डाल दो, डाल दिया, फिर क्या डालोगे? ई, फिर एच, फिर आर। ये तो गलत है। क्यों? एम और एच के बीच में तो एक लेटर है। क्या कहा गया? Always there exists three letter between M and H, पर ऊपर की स्टेटमेंट पढ़ो, गलत है। तो M और H में कितने लेटर चाहिए? तीन। तुम्हारे पास तो एक है, गलत है। आप बोलोगे बन सकता है, बताओ, मैं क्या मना कर रहा हूँ, बनाओ, बोलो, आप बोलने वाले बोलो। आप बोलोगे सर पहले E लगा लो, ठीक है, फिर M लगा लो, ठीक है, फिर O लगा लो, ठीक है, फिर T, ठीक है, R, H, ये लगा लो। तो लगाया हुआ है, ये इसमें है ही। क्यों? पहले M से पहले सिर्फ एक लेटर है E, तो उधर लगाया हुआ है 4 वे से, तो है ही है, क्योंकि M से भी स्टार्ट हो सकता है या फिर H से भी हो सकता है। ये तो मैंने करा ही हुआ केस, ये कोई नया केस थोड़ी ना आया आपको, ये तो किया ही हुआ, ये तो ऑलरेडी है। क्यों? M और H के बीच में तीन लेटर, ये था E O M T R H, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? M और H के बीच में कितने लेटर आएंगे? तो गलत है। तो क्या करना है सोचो, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल आपस की शफलिंग, 2 फैक्टोरियल, फिर 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल आपस की शफलिंग, आपस की शफलिंग समझते हो ना, M इधर H इधर, या फिर M इधर H इधर, सोचना। तो कितने वेज बन गए? दोनों केस ऐड कर दो, 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। चलिए कितने केस बनेंगे रब करना चाहता हूं, ट्वाइस ऑफ 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, सोचना आराम से। अब इसका फॉर्मूला देख लो, अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो, अच्छा कंसेप्ट है, जरा देख के सोच के पढ़ना जरा इसे, पहले कितना बन जाएंगे वेज, फॉर्मूला बनवा देते हैं। फॉर्मूला बनेगा इक्वल्स टू, यहाँ लिखवा दो या यहाँ लिखवा दो, एक ही बात है। क्या बनेगा सोचो, टोटल कितने हैं लेटर एन, टोटल कितनी चीजें हैं, आउट ऑफ टोटल एन थिंग्स एन, माइनस जितनों को इकट्ठा उठाना है एम, माइनस टू, ये दो वो हैं जिनको हमने फिक्स किया हुआ है, बिटवीन ऑलवेज टू पर्टिकुलर वर्ड, प्लस वन इंटू, ऐसे करना आसान पड़ेगा, इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में नहीं आया, बता देते हैं थोड़ा सा, देखो एन टोटल चीजें, उनमें से जिनको इकट्ठा बनाना है एम, माइनस दो जिन दो पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, एक केस उसमें से बढ़ेगा प्लस वन, कोई फैक्टर नहीं कुछ नहीं, फिर एन टोटल में से वो माइनस करा दो जिनको दो पर्टिकुलर करने हैं, फिक्स किए हैं जिनको, ये फिक्स वाले हैं, इनटू 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 फैक्टोरियल? आपस की शफलिंग, शफलिंग ऑफ 2 फिक्स थिंग्स की।
टू क्या कर देंगे आपको फिक्स, ये क्या आ जाएगा एन माइनस एम माइनस टू प्लस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल इनटू क्या आ जाएगा टू फैक्टोरियल। अब देख लो अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो मुझे कोई तरह नहीं, मेरा आंसर तो ये आ रहा है, इसका क्या आंसर आ रहा है ये आ रहा है। अब फॉर्मूला लगा लो इधर, सुनो ऐसा करो इधर फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लिखवाओ पहले, फॉर्मूला कितना है इसका बताओ, एन माइनस एम माइनस टू सब सब चलो बोलो एन माइनस एम माइनस टू प्लस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल लगाओ जी, एन बताओ कितना है, एन कितना है हियर, एन कितना है सिक्स, टोटल एड अच्छे थे, एम कितना है कितनों को अरेंज करना है, एम तीन है, बाकी तो कोई यूज ही नहीं, टू तो फिक्स ही रहेगा, कराओ ये शफलिंग हो रही है टू फिक्स थिंग की। क्या बोला अगर मैं इसकी बात करूं दो फिक्स की शफलिंग का मतलब बता दो क्या लगा है, पहले एम फिर एच, पहले एच फिर एम, एच इधर चला जाए एम इधर आ जाए, उसका ये टू फैक्टोरियल जिसका लगा। तो बताओ कराओ जरा वैल्यू पुट, कोई बात नहीं यहाँ वैल्यू पुट कराओ जरा, देखो कितना बनाते बनाओगे, एन कितना है सिक्स, एम कितना है थ्री माइनस टू प्लस वन इंटू सिक्स माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल करो, सिक्स माइनस थ्री थ्री माइनस टू वन प्लस वन ट्वाइस इंटू फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, यही तो आंसर है। सोचो ऐसे चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, चलिए भी एक्सरसाइज है 7.4 है, फर्स्ट है पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन सिक्स चिल्ड्रन स्टैंड इन अ क्यू, कितने तरीकों से इन बुक अपने पास रखो, क्वेश्चन बुक में से पढ़ो, इन हाउ मेनी वेज कैन सिक्स चिल्ड्रन स्टैंड इन अ क्यू, क्यू का मतलब तो समझते ही होंगे लाइन में अरेंज करना, वैसे तो फॉर्मूला खराब है, एन डिफरेंट थिंग्स आर अरेंज इन लाइन, कितने में से एन फैक्टोरियल में से, तो सॉल्यूशन है वी नो दैट एन डिफरेंट थिंग्स आर अरेंज करनी है इन आर लाइन में, कितने में से एन फैक्टोरियल में से, तो सिक्स डिफरेंट थिंग्स कैसे अरेंज करोगे, सिक्स फैक्टोरियल में से, 720 तीसरा कितना आ जाएगा 720 भी। चलिए अगला वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन फोर डिफरेंट बुक्स वन ईच सब्जेक्ट, कहता है फोर डिफरेंट बुक्स दे रखी हैं अलग अलग हैं, कोई आइडेंटिकल नहीं जैसी, फोर में से क्या दे रखे हैं, एक केमिस्ट्री दे रखी है, दूसरा बायोलॉजी दे रखी है, तीसरा मैथमेटिक्स दे रखा है, चौथा फिजिक्स दे रखा है, चार अलग बुक्स हैं, केमिस्ट्री है बायो है फिजिक्स है मैथ, कहते हैं इनको अरेंज करना है किसमें भला, आर शेल्फ में कर लेंगे, वही तो हो गया चार डिफरेंट थिंग्स है, चाहे वो बुक्स के रूप में है तो चारों अलग ही, कौन कौन सी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो को अरेंज करने, तो पहली पोजीशन में कौन आएगा, सोचो लॉजिकली अगर सॉल्व करना है, वैसे फॉर्मूले से सॉल्व करना है फॉर्मूले से सॉल्व करो, फॉर्मूला क्या लगेगा वो तो आसान सही है एन है, मतलब फोर डिफरेंट बुक्स आर अरेंज करनी है लाइन में, शेल्फ एक लाइन ही तो होगी, रो में तो लगानी है, फोर डिफरेंट बुक्स आर अरेंज करनी है ऑन इन अ लाइन में या ऑन अ शेल्फ में, शेल्फ में कैसे करते, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायो फिर मैथ, पहले फिजिक्स वही तो क्या है शेल्फ में, कितने में से करो सीधा रख देना फॉर्मूला, लॉजिक लगाना है तो लॉजिक लगा देना, जो फर्स्ट पोजीशन है जैसे शेल्फ है आपके पास, पहले प्लेस पे कौन सी बुक रखोगे केमिस्ट्री, पर क्या केमिस्ट्री रखेंगे, नहीं फिजिक्स भी रख सकते हैं बायो भी मैथ भी, तो फर्स्ट प्लेस क्या होगी शेल्फ की, फर्स्ट पोजीशन
ऑफ शेल्फ की कैन बी फिल्ड बाय फोर वेज, सेकेंड पोजिशन कैन बी फिल्ड बाय थ्री वेज, थर्ड पोजिशन कैन बी फिल्ड बाय टू वेज, फोर्थ पोजिशन कैन बी फिल्ड बाय वन वेज। तो टोटल वेज देखो कितने आएंगे, टोटल वेज है फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, फोर फैक्टोरियल वेज। ऐसे करने अगला क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एक स्टूडेंट वांट टू अरेंज थ्री इकोनॉमिक्स बुक्स, टू हिस्ट्री बुक्स और फोर इंग्लिश बुक्स ऑन ए शेल्फ इफ द बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट समझते हो मतलब इकोनॉमिक्स की बुक्स जो होंगी आर डिफरेंट होंगी, तीन इकोनॉमिक्स की बुक्स कहीं हैं तो इकोनॉमिक्स की बुक्स तो तीनों एक जैसी भी हो सकती है, पर बोला हुआ है सेम सब्जेक्ट मतलब इकोनॉमिक्स वाली बुक्स ही डिफरेंट है, एक टेंथ की है, एक प्लस वन की है, इकोनॉमिक्स की बुक एक प्लस टू की है, डिफरेंट है, या हो सकता है तीनों ही प्लस वन के ऊपर राइटर डिफरेंट हो, राइटर डिफरेंट हो, उनका जो आगे का फ्रंट पेज है वो डिफरेंट हो जो उसकी लोग लोग देखने का है। तो फिर तो कह रहे हैं तीन तो आपके पास इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं पर वो डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक्स बुक्स फोर्थ फिफ्थ है, नंबर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी है, तीन है। मान लो अपने मानने के लिए इकोनॉमिक वन, इकोनॉमिक टू, इकोनॉमिक थ्री, नंबर ऑफ डिफरेंट हिस्ट्री बुक्स दो है, हिस्ट्री वन, हिस्ट्री टू, चार इंग्लिश की बुक्स भी हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट चार हैं, इंग्लिश वन, इंग्लिश टू, इंग्लिश थ्री, इंग्लिश फोर, चार इंग्लिश की बुक्स हैं पर है डिफरेंट, सब्जेक्ट इंग्लिश ही है, सब्जेक्ट सेम है इंग्लिश 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 पर है डिफरेंट। तो कहता है अरेंज करनी इन शेल्फ में, कितने टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट होगी, तो लिख लेते हैं टोटल बुक्स कितनी है, सोच लो टोटल बुक्स होगी आपके पास, पहला केस है टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी होगी तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स गिन लो पहले, तो दे आर टोटल हियर, टोटल नंबर ऑफ जो डिफरेंट बुक्स हैं वो कितनी है, तीन ही हैं, दो हिस्ट्री की हैं, चार इंग्लिश की हैं, नाइन बुक्स हैं। तो अब नाइन बुक्स को अरेंज करना है शेल्फ में कितने वे से करोगे, नाउ नाइन बुक्स आर अरेंज करने ऑन अ शेल्फ पे नाइन फैक्टोरियल वे से, नाइन फैक्टोरियल वे से। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, दूसरी बात वो क्या कहना चाहता है, द नंबर ऑफ पॉसिबल इफ ऑल द बुक्स ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर टुगेदर, सेकंड कह रहे हैं, सेकंड आगे डिस्कस कर, ऑल द बुक्स ऑफ All the books of particular subject are together. मतलब अब जब लगाओगे तो इकोनॉमिक्स बुक इकट्ठी लगी होनी चाहिए, हिस्ट्री की इकट्ठी, तो क्या कहना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स की बुक इकट्ठी लगी होनी चाहिए तो आपस में शफल कर सकती हैं, कर सकती हैं, कितने में से करेंगे, थ्री फैक्टोरियल में से। कैसे वो तीन फैक्टोरियल वे बनेंगे, सोचो थ्री फैक्टोरियल वे से छह वेज बनेंगे, कौन कौन से होंगे छह वेज, अगर आप सुनना ही चाहते हो तो देखो जरा, वो छह वेज बनेंगे जिसमें आप इनको अरेंज करोगे, देखो वो छह वेज के कौन से हैं, कुछ उनमें से लिखवा देता हूँ, इकोनॉमिक्स वन देखो दिखता है तो एक मिनट, तो छह तरीकों से होंगे,
चलिए कौन से वो छह तरीके हैं देखो जरा। पहले क्या होगा लोग, इकोनॉमिक्स वन, फिर इकोनॉमिक्स टू, इकोनॉमिक्स थ्री, इकोनॉमिक्स टू, इकोनॉमिक्स थ्री, इकोनॉमिक्स वन, इकोनॉमिक्स थ्री, इकोनॉमिक्स वन, इकोनॉमिक्स टू, इकोनॉमिक्स थ्री, इकोनॉमिक्स टू, इकोनॉमिक्स वन, ऐसे बनेंगे। चार तो लिख दिए तो 312 से इनटू हिस्ट्री की बुक अरेंज करनी है H1 इनटू H2 कितने में से करेंगे 212 से। फिर इंग्लिश बुक अरेंज करनी है E1 E2 E3 E4 कितने में से करोगे 412 से। पता ना हिस्ट्री की बुक 2 बेस कौन से होंगे H1 H2 H2 H1 समझ गए होंगे। इंग्लिश की भी आपस में शफल करेंगे E1 E2 E3 E4 तो क्या आएंगे E2 E3 E4 और E4 E1 E2 E3 ऐसे ही शफल करेंगे। बट इसने कब कहा इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या हुआ, पहले हिस्ट्री वाला बंच भी तो लग सकता है। मेरा मतलब पहले तुमने हिस्ट्री वाले लगा दिए, फिर इंग्लिश वाले लगा दिए, फिर इकोनॉमिक्स वाले लगा दिए, इंग्लिश EN लग दो, चलो EN लिख लो इंग्लिश को, चार इंग्लिश की, चलो तो कोई बात नहीं। इंग्लिश वन, इंग्लिश टू, इंग्लिश फोर, इंग्लिश थ्री लगा दिया, फिर इकोनॉमिक्स की लगा दी, इकोनॉमिक्स वन, इकोनॉमिक्स थ्री, ऐसे लगा दी। पहले इकोनॉमिक्स वाली लगाई थी, पहले इंग्लिश वाली भी तो आ सकती है, इंग्लिश वन, इंग्लिश टू, इंग्लिश थ्री, इंग्लिश फोर, फिर हिस्ट्री की भी आ सकती है, हिस्ट्री टू, हिस्ट्री वन, फिर आपस की भी शफलिंग है। एक तो ये है इंटरनल शफलिंग, आप अंदर की शफलिंग। तो 312 क्या सजेस्ट करता है, ये 312 शो करता है इंटरनल अंदर की शफलिंग, ये इंटरनल शफलिंग बोलते हैं इसको। ये 212 क्या है, इंटरनल शफलिंग है, ये भी इंटरनल शफलिंग है। फिर ये भी तो आपस में सेट भी तो शफल हो सकते हैं, पहले हिस्ट्री का आ जाए, फिर एक इंग्लिश का आ जाए, फिर इकोनॉमिक्स का आ जाए, पहले इंग्लिश का आ जाए, तो इनके आपस की शफलिंग कितने में से होगी सोचो, एक दो तीन सेट है इनटू 3 factorial। ये 3 factorial बाद में क्यों लगाया पता चला है, ये 3 factorial किसके लिए, इनके आपस की शफलिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड इंटरनल शफलिंग। किसकी इंटरनल शफलिंग, ऑफ E1 E2 E3 की, 2 factorial हिस्ट्री की शफलिंग के लिए, 4 factorial इनकी आपस की शफलिंग के लिए, इनटू 3 factorial क्यों लगा रहे हो पता है, ये 3 factorial क्यों लगाया हुआ है बता सकता है कोई बच्चा, 3 factorial ये क्यों लगा रहे हो सोचना जरा, ये 3 factorial क्यों लगा रहे हो बताओ तो, ये वाला 3 factorial क्यों लगा रहे हो, शफलिंग ऑफ एक्सटर्नल शफलिंग बोलते हैं, बाहरी शफलिंग, एक्सटर्नल शफलिंग मतलब दैट मींस अगर समझ में आ जाए तो शफलिंग ऑफ सेट्स, शफलिंग ऑफ सेट्स, सेट की शफलिंग, एक्सटर्नल शफलिंग दैट मींस शफलिंग, या इधर करता हूं ऑफ सेट्स, सेट्स की शफलिंग समझते हो, आपस में एक दूसरे की शफलिंग। तो क्या आएगा 3 factorial 2 factorial 4 factorial इनटू 3 factorial, 3 factorial क्या आएगा इनकी आपस की शफलिंग। तो टोटल वेज क्या आ जाएंगे सोच लो, 3 factorial 2 factorial 4 factorial इनटू 3 factorial, ये क्या होगी दोबारा बताऊंगे आप, ये सारे हो गए इंटरनल शफलिंग, और ये क्या होगी एक्सटर्नल शफलिंग, ऐसे करना है और क्या। 7th है, क्या दिया हुआ है, इफ देयर आर 6 पीरियड्स हैं इन ईच वर्किंग डे, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर कितने दिए गए, पीरियड कितने दिए गए 6 हैं। 7th क्वेश्चन पढ़ो इतने तक, 7th क्वेश्चन पढ़िए, कहता है इफ देयर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे, तो 7th है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने दे रखे हैं सोचो, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे कितने दे रखे हैं, 6 पीरियड मेरे को दे रखे हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू बी अरेंज, नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू बी अरेंज कितने वे से, 5 वे से, सच दैट ई सब्जेक्ट हैव, कंडीशन दी हुई है ई सब्जेक्ट इज अलाउड एटलीस्ट 1 पीरियड, सच दैट ईच अलाउड
एटलीस्ट वन पीरियड, कम से कम एक पीरियड जरूर लगेगा। एटलीस्ट क्या मतलब क्या हुआ, कम से कम एक पीरियड जरूर लगेगा। टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन ईच वर्किंग डे कितने होंगे, छह। तो देख लो टोटल वेज पीरियड दे रखे P1, P2, P3, P4, P5, P6। अब सब्जेक्ट दे रखे हैं सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। सोचना ना, समझे जरा। अब देखो जरा, अब क्या कर रहा हूँ इधर देखो, पहले पीरियड को भरना है। पहले पीरियड को मैं सब्जेक्ट 1 से ही भर सकता हूँ, या सब्जेक्ट 2 से ही भर सकता हूँ, या सब्जेक्ट 3 से भी, सब्जेक्ट 4 से भी, सब्जेक्ट 5 से भी। पहले को भरने के 5 वेज हैं। तो मैंने क्या भर दिया, सब्जेक्ट 1 कोई भी, मान लो सब्जेक्ट 2 भर दिया, मान लो सब्जेक्ट 2 इंग्लिश का था, इंग्लिश भर दिया। फिर अगले को भरने के लिए कितने वेज हो गए, सब्जेक्ट 2 तो भरा गया, अगले को भरने के लिए 4 वेज हैं। मान लो मैंने सब्जेक्ट 4 भर दिया, मान लो मैथ था, फिर अगले को भरने के लिए 3 वेज थे, 3 वेज है। मान लो मैंने सब्जेक्ट 1 भर दिया, फिर अगले को भरने के लिए 2 वेज है, मैंने सब्जेक्ट 3 भर दिया, फिर अगले को भरने के लिए 1 वेज है, मैंने क्या भर दिया, सब्जेक्ट 5 भर दिया। अब मेरे पास लास्ट पीरियड 3 बैठ गया, अब इसमें कौन सा भरूंगा, या तो सब्जेक्ट 1 डाल सकता हूँ, या सब्जेक्ट 2, या सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। तो कितने में से भरूंगा, 5 फैक्टोरियल से, तो ये हो गए। इसको बनने के लिए कितने तरीके हो गए, इनटू 5। गलत है ये लॉजिक, गलत है आपका। सर क्या गलती है इसमें, क्योंकि तो लिखा हुआ है हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1 पीरियड मिलेगा, कम से कम एक है, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, इसलिए ये वाला पीरियड रिपीट हो सकता है। पर आप सोचना, जिस वे से मैंने भरा है, दो सेम पीरियड चाहिए मेरे को, दो सेम पीरियड मतलब मैथ के दो पीरियड लगाने हैं। मान लो सब्जेक्ट टू मैथ है, मैथ के दो पीरियड लगाने हैं मुझे, तो मुझे इसमें कमी पता क्या है, मैथ को हमेशा ये वाला लेक्चर देना पड़ेगा 5वां। क्यों, क्योंकि रिपीट करने के लिए ये वाला। क्यों, पहले 5 पीरियड में आपने अलग अलग सब्जेक्ट भर दिए, अब कोई रिपीट होगा तो ये वाला रिपीट होगा। सोचो अगर हो सकता है तो ये रिपीट हो सकते हैं, ये दोनों कभी रिपीट नहीं हो सकते। नॉट रिपीट मतलब, नॉट रिपीट का मतलब समझो, पीरियड 2 और पीरियड 3 कैन नेवर बी रिपीटेड, नॉट बी रिपीटेड, रिपीट नहीं हो सकते, हमेशा ऑलवेज रिपीट होगा। पीरियड 4 पीरियड 5 सोच लेना, ऑलवेज रिपीट होगा। 2 मिनट लगा के पहले सोचो, समझ में नहीं आया। जब तुम पहले 5 पीरियडों में, पहले 5 पीरियडों में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा लोगे तो कोई पीरियड रिपीट ही नहीं होगा। मतलब जैसे मान लो जिन जिन स्कूल में आप पढ़ते हो, ऐसा हो सकता है पहला लेक्चर इंग्लिश का लगे, दूसरा तीसरा मैथ का, किसी भी वीकेंड वाले डेज में, तो होता है क्या ऐसा, होता है, होता है। ये दोनों मैथ के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कभी तो फिजिकल के इकट्ठे लग जाते हैं, कभी तो केमिस्ट्री के इकट्ठे लग जाते हैं, तो दो दो केमिस्ट्री के लगते हो, मैथ का ना लगाओ केमिस्ट्री के लगे हो, तो वो केमिस्ट्री के जो दोनों दो पीरियड केमिस्ट्री के लगाने हैं, टाइम टेबल इंचार्ज मैं हूँ, तो वो ये दोनों में तो दे सकता है, पीरियड 3 और पीरियड 4 केमिस्ट्री का लगे। होता नहीं ऐसे स्कूलों में कि सोचो जरा, पहले दो मैथ के लग गए, या दूसरा तीसरा मैथ का लग गया, या तीसरा चौथा केमिस्ट्री का, मतलब कोई भी दो पीरियड इकट्ठे लग गए, लगते हैं ऐसे कभी, पहले बताना, लगते हैं। फिर इसके हिसाब से तो कभी लगेंगे नहीं, इसके हिसाब से अगर केमिस्ट्री के डालने हैं 2 तो यहीं डालने पड़ेंगे, मैथ के डालने हैं तो 2 यहीं डालने पड़ेंगे, इंग्लिश के डालने हैं तो यहीं डालने पड़ेंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता 2 मैथ के पहले 2 लग गए, हो ही नहीं सकता इस लॉजिक के हिसाब से, तो गलत है। क्योंकि तुमने पहले पीरियड में अलग सब्जेक्ट, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, चौथे में अलग, पांचवें में अलग सब्जेक्ट पढ़ाया, गलत है लॉजिक। तो इसका सही लॉजिक क्या है, सुनो जरा, फिर शायद समझ में आ जाए। पीरियड कितने, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6। सब्जेक्ट कितने, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। अब पहला सब्जेक्ट पढ़ाना है, मान लो इंग्लिश पढ़ानी है, इंग्लिश में पहले पीरियड में पढ़ा सकता हूँ, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी। तो सब्जेक्ट पढ़ाओ पीरियड में, पीरियड मत पढ़वा लो सब्जेक्ट में। वाह बेटा, तुमने पीरियड ही पढ़वा दिया, पहला पीरियड पढ़वा दिया, नहीं पहला सब्जेक्ट को भरने के लिए कितने वेज हैं, 6। मान लो सब्जेक्ट 1 यहाँ लग गया, अब हो सकता है बिल्कुल, सब्जेक्ट 2 को, मान लो मैथ है, मैथ
सब्जेक्ट टू को पढ़ाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 वेज हैं सब्जेक्ट टू को पढ़ाने के लिए। मान लो सब्जेक्ट टू तुमने ये पढ़ा लिया, सुनते रहना। फिर सब्जेक्ट थ्री पढ़ाने के लिए 1, 2, 3, 4 वेज हैं, तो यहाँ पे तुमने सब्जेक्ट थ्री पढ़ा लिया। फिर सब्जेक्ट फोर पढ़ाने के लिए 1, 2 फिजिकल था, 3 पीरियड रह गए, तो हो सकता है तुमने फिजिकल यहाँ पढ़ानी हो सबसे लास्ट में, सोचना आराम से। फिर पांचवा सब्जेक्ट था वो यहाँ भी पढ़वा सकते हो, यहाँ भी मान लो तुमने पांचवा सब्जेक्ट यहाँ पढ़वा लिया, उसको पढ़ाने के लिए 2 वेज थे, अब 1 पीरियड बच गया। हो सकता है वो तुम S1 का लगा दो, इंग्लिश का ही लगा दो, S1 इंग्लिश था मान लो, S1 भी लगा सकते हो, S2 भी लगा सकते हो मैथ। अगर आप S2 लगाओ यहाँ पे तो ये दोनों मैथ के हो जाएंगे, ये दोनों मैथ के हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 पीरियड थे, 5 सब्जेक्ट पढ़ने, 6P5 में से, या फिर ऐसे पढ़ना, इनटू अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ। अब क्या करोगे, जो रेस्ट ऑफ पीरियड बच गया, जो भी पीरियड बचेगा, रेस्ट ऑफ पीरियड, जो रेस्ट ऑफ बाद वाला पीरियड बच गया, कैन बी फिल्ड, कैसे भरा जाएगा, बाय ये जो पांचवा पीरियड बचा हमारे, ना तीसरा पीरियड बचा, वो किससे भरा जाएगा, कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द, कैन बी फिल्ड, मैं ब्लैक मार्कर से लिखूंगा, दिख नहीं रहा तो, कहता है रेस्ट ऑफ जो बच गया, रेस्ट ऑफ पीरियड कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। तो कैसे भरा जाएगा सोचो, जब 1 पीरियड बच गया, अब रेस्ट ऑफ पीरियड बनना बताओ ये किससे भरा जाएगा, या तो इसमें क्या भरा जाएगा, सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2 या सब्जेक्ट 3 या सब्जेक्ट 4 या सब्जेक्ट 5। तो इसको भरेगा कितने वेज आनी है, रेस्ट ऑफ पीरियड कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द 5 सब्जेक्ट बाय 5 वेज, तो क्या हो जाएगा इनटू 5, मेरा मतलब आ जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 5। और चलिए गुड मॉर्निंग, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिट प्रॉब्लम्स को। हम जब भी डिजिट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्या बोला, वो डिजिट जो होगा वो 0 से स्टार्ट ना हो, 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 0 से स्टार्ट ना हो जाए, 012 इज़ नॉट 3 डिजिट नंबर, 120 3 डिजिट नंबर होता है। तो हमें कौन से स्टेप, कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं अपने डिजिट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज हम लोग अगर zigzag वे से सॉल्व करें तो हमारे आंसर बहुत अलग निकलेंगे जो उससे मैच नहीं होगा, लॉजिक भी हमारा गलत हो जाएगा, लॉजिक भी हमारा गलत हो जाएगा जो हमारे को हमारे असली लॉजिक से दूर कर देगा। तो कहने का मतलब वाइल सॉल्विंग डिजिट प्रॉब्लम वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, कुछ स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1, फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन, मतलब कोई भी डिजिट प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से देखना है क्वेश्चन को रीड करते हुए कि क्या कोई कंडीशन तो नहीं दी हुई। कंडीशन कई तरीकों से होती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पे डिपेंड करती है, जैसे एग्जांपल 7 इज एट यूनिट प्लेस पे आते हैं, एग्जांपल नंबर इज डिविजिबल बाय 2 हो जाए, एग्जांपल नंबर इज ऑड हो जाए, एग्जांपल हमारे पास जो लास्ट 2 डिजिट्स हों आर, लास्ट के 2 डिजिट्स हों आर 35 हो जाए, एग्जाम्पल 10 इज एट 10th प्लेस पे आ जाए, मेरा मतलब क्या है कहना चाहते हैं, 0 इज एट यूनिट प्लेस पे, 5 इज एट 10th प्लेस पे, ऐसा कुछ आता है। तो कहते हैं ऐसी कुछ कंडीशनें होती हैं जो क्वेश्चन में दी होती है, मैं आराम से पढ़नी होती है, जिसके बाद फॉलो करना होता है, ये बात है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले कंडीशन को देखो, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 4 डिजिट ऑड नंबर बनाना है, ऑड नंबर होना चाहिए, बाय यूजिंग डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा। चलिए तो कंडीशन है ऑड नंबर बनाना विदाउट रिपीटेशन, तो हो सकता है कुछ बच्चे इस तरह से चले, ये रॉन्ग है, क्या इसमें गलती है, बता रहा हूँ ऐसे नहीं चलना, ऐसे का मतलब जिग जैग वे से नहीं चलना। सबसे पहले प्रेफरेंस कंडीशन को देनी है, मान लो D1, D2, D3, D4 बनाना है,
तो आपने सबसे पहले इसको भरा। इसको भरने के तरीके कितने, क्या क्या नंबर है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लो मैंने बोला भराओ, मान लो एक बच्चा कहता है सर D1 को भरो। D1 को भरने के 6 तरीके हैं, या तो 1 भर लो, या 2 भर लो, या 3 भर लो, या 4 या 5 6। मान लो 2 भर दिया, D1 को क्या भर दिया, 2 भर दिया। फिर D2 को भरो, D2 को भरने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 भेज दो। कितने तरीके से हो जाएंगे, 5 तरीकों से। क्यों, इवेंट पूरा नहीं हुआ, इवेंट इज येट टू कंप्लीट। तो 5 तरीकों से मैंने मान लो 4 भर दिए। फिर D3 को भरने के लिए कितने तरीके रह गए, सोचो कि D3 को भरने के लिए, D3 को भरने के लिए 1, 2 मान लो 4 भर दिया, 1, 2, 3, 4। D3 को भरने के कितने तरीके रह गए, 4 तरीके, मान लो तुमने 1 भर दिया। अब बाकी क्या बचा, D4 को भरने के लिए 1, 2, 3 तरीके, गलत तो 3 तरीके, गलत है 3। क्यों, या तो क्या आएगा, ऑड ना है, ऑड मत ढूंढना। ऑड नंबर कब बनता है, क्या 2, 4, 6 या सॉरी 1, 3, 5, 6 ऑड होता है, नहीं तुम्हें पता है 1, 5, 3, 2 ऑड होता है, नहीं 2, 4, 6 वन ऑड होगा, हाँ लास्ट डिजिट ऑड होगा तभी तो ऑड होगा। तो बचे कौन कौन से डिजिट, या तो 3 भर सकते थे, या 5 या 6। तो इसको बनने के लिए कितने तरीके रह गए, 3, 5 या 6। पर 6 तो नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमें ऑड नंबर चाहिए, कंडीशन दी हुई है ऑड नंबर की। तो इसको बनने के लिए कितने तरीके रह गए, 2। कितने टोटल वेज आ गए, 6, 3 था, 6, 5 था, 30, 34, 4 था, 122 था, 240 वेज। पर अगर कोई बच्चा मुझे कहता है D1, D2, D3, D4, D5, अब मान लो D4 है, D1 को भरने कितने तरीके हो गए, या तो 1 भर लूंगा, 6 वेज हैं, कौन से 6 वेज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या तो 1 भर लो, या 2 भर लो, या 3 भर लो, या 4 भर लो, या 5 या 6, इनमें से कोई भर लो। मान लो तुमने क्या भर दिया, मान लो इसमें 1 भर दिया, तो D2 को भरने के लिए कितने तरीके रह गए, सोचो D2 को भरने के लिए, D2 को भरने के लिए तरीके रह गए, 1 खत्म हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 रह गए, तो 5 वेज थे, मैंने 6 भर दिया मान लो। अगले को भरने के लिए कितने तरीके रह गए, 4, मान लो मैंने यहाँ 3 भर दिया। अगले को भरने के लिए कितने तरीके रह गए, 1, क्यों ना 2 आ सकता है, ना 4 से एक ही आ सकता है, कौन बोला 5, तो इसका आंसर कितना आ गया, 6, 5 था 30, 34 था 120। तो किसी बच्चे का इसी का आंसर 240 बन रहा है, किसी का 120 बन रहा है, तो ये क्या मतलब एक बच्चा क्या करे, इन 6 तरीकों से भरना था 2 भर दे, कोई बच्चा इसमें ऑड भर दे तो आंसर अलग अलग आ गए। तो क्या अलग अलग आंसर लिख के आएगा बच्चा, नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, D1, D2, D3, D4, तो नंबर कौन कौन से है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहले किसको डालोगे, सोचो जरा, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दोगे, सोचो, सबसे पहली प्रेफरेंस, ये ठीक है, ये राइट है, फर्स्ट प्रेफरेंस याद रखना, फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू कंडीशन, पहली प्रेफरेंस किसको दोगे, कंडीशन को, पहली प्रेफरेंस किसको दोगे, कंडीशन को, कौन सी कंडीशन है, D1, D2, D3, D4 है, सबसे पहली प्रेफरेंस कंडीशन को दो, कंडीशन कौन सी थी, कि हमें ऑड बनाना है, ऑड बनाना है तो या तो 1 आएगा, या फिर क्या आएगा, सोचो, या तो 1 भर सकते हो, या फिर 3 भर सकते हो, या 5 भर सकते हो। तो इसको बनने के लिए कितने वेज हो गए, 3 वेज, या तो 1 भर लो, या 3 भर लो, या 5, मान लो 1 भर लिया, 3 भर लिया, मान लो चाहे 5 भर लिया, वो आपको देखना है, चाहे 1 भर लो, चाहे 3 भर लो, चाहे 5, कुछ भी भर लो, मान लो 5 भर लिया। समझ भी रहे हो, पहले किसको भरा, कंडीशन को, फिर इनटू इवेंट पूरा नहीं हुआ, आपको ही पता है इवेंट इज येट टू कंप्लीट, बट कंडीशन पूरी होगी, फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू कंडीशन, मेरी कंडीशन तो पूरी होगी, बाकी बातें बाद में देखेंगे। अब मुझे डर नहीं है कि मेरा लास्ट में ऑर्डर बनता है कि नहीं बनता, सोचो ये बन गया 5 वे से। अब इसमें तो ये भी डर है कि लास्ट में ऑर्डर बने ना बने, क्यों बोला, मान लो एक मिनट के लिए यहाँ चलाऊं, तो मैं मान लो यही वाला क्वेश्चन करता कोई बच्चा, D1, D2, D3, D4, नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे, सोचना आराम से दिमाग से, D1 को भरने के 6 तरीके,
कोई भी इन छह में से भर दो, मैंने वन भर दिया, आपने मुझे छह तरीके दिए, मैंने वन भर दिया, अगले को भरने के लिए पांच तरीके, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मैंने फाइव भर दिया, अगले को भरने के लिए फिर चार तरीके में टू थ्री फोर सिक्स, मैंने थ्री भर दिया, फिर अगले को भरने के लिए टू भर दो क्या, तीन तरीके टू भर दो क्या, ये तो ऑड बनेगा ही नहीं, फोर भर दो क्या, ऑड ही नहीं बनेगा, सिक्स भर दो क्या, ये बनने के तरीके ही नहीं आए, क्वेश्चन मार्क, तो ये तो यहाँ गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, अगर मैं यहाँ से मेन बात क्या समझा रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ तो गड़बड़ है, ये मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तीन वे से, अब मान लो पांच मैंने भर दिया, अगले को भरने के लिए कितने तरीके आ गए, अगले को एक दो तीन चार पांच तरीके, फिर अगले को भरने के लिए कितने तरीके आ गए, मान लो आप चाहे तीन भर दो, चाहे तीन भर दो कोई दिक्कत नहीं, अगले को भरने के लिए एक दो तीन चार तरीके, मान लो छह भर दिया, फिर अगले को भरने के लिए कितने तरीके रह गए, तीन, ये टोटल वेस्ट हो जाएंगे, कितने आएंगे सोचो, ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्सटी सिक्सटी थी था 180, असली आंसर 180 होगा, ये मैं समझ। तो सबसे पहली प्रेफरेंस कंडीशन को देनी है, अगर वो कंडीशन दी हुई है, स्टेप टू, आ गया समझ में, अगर आप कंडीशन को ना दो, जिगजैग वे से भरो, तो आंसर कभी 240 आएगा, कभी 120 आएगा, कभी आंसर किसी बच्चे का निकलेगा ही नहीं, परेशान हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई और बचे ही नहीं। तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको देनी है, कंडीशन को। दूसरा है स्टेप टू, स्टेप टू, सेकंड प्रेफरेंस इज गिवन टू, किसको दोगे, सेकंड प्रेफरेंस किसको देना है, रिस्क को, रिस्क को, रिस्क किसको बोलते हैं, रिस्क को, रिस्क किसको बोलते हैं, दैट मीन्स जीरो इज नॉट, जो नंबर होगा, दैट मीन्स जो नंबर होगा, थ्री डिजिट फोर डिजिट नंबर, जो नंबर होगा कैन नेवर बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जो नंबर होगा वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, जो नंबर होगा वो जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, समझ में नहीं आया बता, मान लो ये होता फोर डिजिट नंबर बनाना होता, अभी कंडीशन ही है, बाय यूजिंग नंबर है 0 1 2 3 4 5, व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, तो कहता है इसमें रिस्क है, बिल्कुल है, पिछला समझ गया ना, पिछला समझ गए हो, अपनी मर्जी से कहीं से भी शुरू नहीं कर देना, कहां से शुरू करोगे, D4 से, क्यों, क्योंकि कंडीशन जो लगी हुई थी वो D4 पे लगी हुई थी, कंडीशन D3 पे भी लग सकती थी, D2 पे भी, जैसे होता 7 at 10th place, तो 10th place ये होती है, यूनिट 10, 100,000, तो 10th place ये होती है, तो हम उसको भरते हैं, मतलब कंडीशन क्या दिया उससे नहीं है, मतलब ये समझने वाला है कि अगर तुम्हारे को किसी भी क्वेश्चन में कंडीशन दी है तो पहली प्रेफरेंस कंडीशन को देनी है। अब देखिए दूसरी प्रेफरेंस किसको देंगे, रिस्क को, रिस्क को मतलब कैसे बता रहा, रिस्क कैसा है, अगर रिस्क समझ नहीं आ रहा, जैसे मैं वैसे रफ में बताऊं, पहले रिस्क का मतलब बताऊं, एग्जांपल है थ्री डिजिट नंबर बनाना है बाय यूजिंग 1 2 0 3, तो मैं तुमसे बोलता हूँ थ्री डिजिट नंबर बनाना है, 120 थ्री डिजिट होगा, यस, यस, 102 थ्री डिजिट नंबर है, यस, 012 थ्री डिजिट नंबर है, नो, तुम बोलोगे नो, क्यों नहीं है, क्योंकि ये नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, ये बोलते हैं रिस्क प्लेस, ये होती है रिस्क प्लेस, सोचना, ये होती है आपके पास रिस्क पोजीशन, ये वाली पोजीशन पे जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आ गया तो थ्री डिजिट का सत्यानाश हो गया, जहां हम थ्री डिजिट का सोच रहे थे तो क्या रह गया, टू डिजिट रह गया, सोचो जीरो नीचे नहीं आ सकता किसी की तरह से, मेरा मतलब क्या हुआ, थोड़ा यहां सोचो, तो मैं कहता हूं 130 हो सकता है, हाँ थ्री डिजिट 103 हो सकता है, हाँ 013 हो सकता है, नहीं, ये क्या होगा, रिस्क है, इसको बोलता हूं मैं रिस्क, इसका मतलब है, पहले रिस्क का मतलब क्या सर, ये तो बता दो, बताया मैंने, अब वो ये कह रहे हैं थ्री डिजिट नंबर बनाओ, ये रॉन्ग है, ये राइट है, अब आपको डिसाइड करना है क्यों रॉन्ग, रॉन्ग क्यों राइट, D1 D2 D3 D4 है, फोर डिजिट नंबर बनाना है, तो इसमें रिस्क है, हाँ है, क्या बोला, यहाँ जीरो नहीं आ सकता, पर मैं इग्नोर कर रहा हूँ रिस्क को, पिछली बार मैंने कंडीशन को इग्नोर कर दिया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ रिस्क को,
इसमें प्रेफरेंस दे रहा हूं रिस्क को, तो क्या गड़बड़ है देख सकते हो तो देख लो। तो क्या कराऊंगा, D1, D2, D3, D4, मेरे पास नंबर कितने दिए हुए सोचो जरा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैं D4 से बढ़ता हूँ। D4 को बनने के लिए कितने देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेज हैं। कौन कौन से 6 वेज हैं सोचो जरा, मैं 0 भी डाल सकता हूँ, 1 भी, 2 भी, 3 भी, मान लो मैंने 3 डाल दिया, अब मेरा 3 खत्म हो गया, क्यों, विदाउट रिपीटेशन है। फिर अगले को डालने के लिए कितने देखे रह गए मेरे पास, 5, मैंने मान लो 5 ही डाल दिया या 0 डाल दिया, मान लो 0 डाल दिया, मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। फिर अगले को बनने के लिए कितने दिखे रह गए बताओगे, अगले को बनने के लिए 1, 2, 3, 4 वेज, मान लो मैंने 1 भर दिया, अगले को बनने के लिए कितने दिखे रह गए 3, मान लो मैंने 5 भर दिए, एक नंबर बन गया। पर हो सकता है कोई बच्चा ऐसा करे D1, D2, D3, D4, आंसर बताओ कितना है, 65 था 30, 34 था 120, 123 था 360 वेज बन गए सच्चू। अब मान लो क्या करेगा, D4 को बनने के कितने दिखे थे, 6 वेज थे, 6 वेज में कौन से भर सकता था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, मान लो उसने क्या भर दिया, 3 भर दिया, मान लो 3 भर दिया। अब D3 को बनने के लिए कितने वेज रह गए, 5 वेज, इवेंट पूरा नहीं हुआ। ये मल्टीप्लाई क्यों लगता है, इवेंट इज येट टू कंप्लीट। तो 5 वेज आ गई, मान लो उसने 2 भर दिया। D2 को बनने के लिए कितने दिखे रह गए सोचो कि 4 वेज रह गए, मान लो उसने 1 भर दिया। फिर अब D1 को बनने के लिए बताओ कितने तरीके रह गए, 1, 2, 3 तरीके रह गए, नहीं अब कितने तरीके रह गए, यहाँ कितने तरीके थे ध्यान से देखो, और यहाँ कितने तरीके रह गए, 2। जब मैंने बीच में 0 भर दिया था तो तरीके यहाँ 3 रह गए थे, अब 0 नहीं भरा तो तरीके क्या रह गए, 2, क्यों, 0 में भर नहीं सकता हूँ, 4 में भर सकता हूँ। तो अब इसको भरने के, अब टोटल वेज गिनो, 30, 120, 240, तो एक ही क्वेश्चन के 2-2 आंसर आ रहे हैं। अगर आप सोचो मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये गलती है, ये क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग, डोंट कभी रॉन्ग हो गए तुम। बट अगर मैं ऐसे प्रेफरेंस दूं पहले रिस्क को, मतलब मुझे पता था रिस्क का मतलब वन ऑफ द गिवन डिजिट क्या है, 0 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, कितने डिजिट नंबर लाना है, D1, D2, D3, D4 लाना है, तो मुझे क्या देखना है, पहली प्रेफरेंस इसको देनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस। मतलब अब तो कंडीशन तो है नहीं, प्रेफरेंस किसको देनी है, रिस्क को, प्रेफरेंस गिवन टू रिस्क, गिवन टू रिस्क, रिस्क को प्रेफरेंस देनी है, मतलब यहाँ 0 नहीं आ सकता, 1, 2, 3, 4, 5, इसको बन के 5 वेज है, चाहे 1 भर लो, चाहे 2 भर लो, चाहे 3 भर लो, चाहे 4 भर लो, 3 भर लो, तो आपने 3 भर दिया। फिर अगले को बनने के सोचो कितने तरीके हैं, 3 आ गया आपका, फिर अगले को बनने के कितने तरीके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अब जो मर्जी भरो, चाहे 0 भरो, कुछ भरो, हमें कोई मतलब नहीं, 0 भी भर दिया, 3 भी भर दिया। अगले को भरने के लिए 4 तरीके सोचो जरा, 1 भर दिया मान लो, अगले को भरने के 3 तरीके, क्यों, क्योंकि आपका जो 0 होना चाहिए वो यहाँ नहीं होना चाहिए था पहली प्लेस पे, क्या नंबर पॉसिबल है, हाँ देखो कितना आंसर आ रहा है, 20, 60, 300, कहाँ आपके 2-2, किसी का 360, किसी का 240, असली आंसर क्या है, तो ये मतलब है, ध्यान रखना। और अगर सर दोनों चीजें आ जाए तो पढ़ो जरा, कंडीशन भी आ जाए, रिस्क भी आ जाए, तो स्टेप बनाया मैं, पिछले वाला जो एग्जांपल दिया उसमें क्या थी, कंडीशन थी ऑड नंबर की, इसमें क्या थी, रिस्क है, क्या बोला, 0 यहाँ ना आ जाए, 0 आ गया तो गड़बड़ कर देगा। अब सर अगर दोनों ही आ जाए तो यार पहली प्रेफरेंस किसको दोगे, कंडीशन को, दूसरी प्रेफरेंस रिस्क को, बस खत्म कहानी, इसी के बिहाफ पे तो है। जैसे एग्जाम्पल है, 4 डिजिट ऑड नंबर बनाना है By using 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें क्या दोनों हैं, कंडीशन भी और रिस्क भी है, पहले वाले में कंडीशन थी, अब इसमें दोनों हैं, देखना जरा ध्यान से, इसमें अब दोनों हैं, क्या दोनों हैं, कंडीशन भी है और इस क्वेश्चन में रिस्क भी है, देख लो इसमें दोनों बात थी, अगर आप समझे हो तो। पहले वाला मैंने एग्जाम्पल दिया कंडीशन का, दूसरा एग्जाम्पल दिया सिर्फ रिस्क का, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोनों का, समझ रहे हो, अब इस एग्जाम्पल में कितना है सॉल्यूशन है, इन अबव एग्जांपल वी हैव बोथ, हमारे पास दोनों चीजें हैं, सबसे पहले कंडीशन भी है, पहली प्रेफरेंस कंडीशन क्या है, कंडीशन बताओगे ऑड नंबर की, पहली प्रेफरेंस मैं कंडीशन को दूंगा, फिर सेकंड प्रेफरेंस दूंगा, दूसरा भी है रिस्क, 0 इज
वन ऑफ द गिवन डिजिट, इसे ध्यान रखना, कहीं नंबर जीरो से मत स्टार्ट कर देना, कहीं ऐसा मत करना जैसे बता रहा था 120 चल जाएगा, 103 चल जाएगा, 013 नहीं चलेगा, जीरो से मत स्टार्ट कर देना। करूं क्या तो वो चीज हमने देखनी है, नहीं सकती कैसे, वो देखो ये गलत है, क्या गलती है और ये ठीक है। मतलब अगर मैं पहली प्रेफरेंस रिस्क को दे दूं दूसरी कंडीशन को तो गलत है, बिल्कुल देखो जरा, बिल्कुल गलती है, मैंने क्या बोला है। अगर मैं पहले रिस्क को प्रेफरेंस दे दूं ये गलती है, इसमें गलती क्या है, मैं स्टेप पहला ले रहा हूं रिस्क, जबकि उसने कहा नहीं पहला नहीं लेना, दूसरा स्टेप रिस्क है, पहला स्टेप कंडीशन का है और दूसरा स्टेप ले रहा हूं मैं कंडीशन का, इसमें उल्टा कर रहा हूं, देखता हूं क्या कुछ गड़बड़ आती है कि नहीं आती कंडीशन का, और जबकि इसमें इसमें ठीक है, इसमें पहला स्टेप मैं लूंगा कंडीशन का और दूसरा स्टेप मैं क्या लूंगा रिस्क का, ये ठीक है ये गलत है, क्या गलतियां देखो। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास 3 digit, 2 digit, 4 digit नंबर आए तो पहला कंडीशन देना, सर गलती तो बता दो, बता दो भी, ये हटा रहा हूँ बस। चलिए क्या गलती है देखिएगा, कितने डिजिट नंबर मांग रहे हैं, D1, D2, D3, D4, कितने नंबर से, 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से, ठीक है भाई। बताओ भाई D1 को बनने के तरीके, D1 को बनने के तरीके बताओ, D1 को मैंने पहले भरा रिस्क, भरा रिस्क, 0 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो इसको बनने के 5 फेज भर दिए, कौन से 5 फेज, 1 भर लो, 2 भर लो, 3 भर लो, 4 भर लो, 5 भर लो, मैंने 3 भर दिया, मेरा 3 खत्म। अब मैंने क्या कर दिया, 5 फेज से भर दिया, मैं 0 छोड़ सकता था, 1 2 4 5, अब मैंने पहली प्रेफरेंस किसको दी, रिस्क को, ये मैंने नंबर फर्स्ट पे भरा, देख रहे हो ना, फर्स्ट प्रेफरेंस ध्यान से देखो, मैंने किसको दी, रिस्क को दी, अब दूसरी प्रेफरेंस दे रहा हूं, देखिएगा सेकंड प्रेफरेंस मैं किसको दे रहा हूं, कंडीशन, कंडीशन क्या बताओगे, है इसमें कंडीशन, और नंबर बताओगे, और नंबर कब आएगा, आएगा जब यहां पे क्या डालूंगा, या तो 1 या 5, क्योंकि 3 तो मैं डाल चुका हूं, तो इसको बने के मेरे दो वेज हैं, कौन कौन से दो वेज, या तो 1 डाल दूं, ब्लू मार्कर से लिख दूं, या तो 1 डाल दूं या 5, मान लो 1 डाल दिया, तो मेरा 3 भी खत्म और 1 भी खत्म। अब क्या डालना रह गया, 1, 2, 3, 4, तो इसको डालने कितने तरीके रह गए बेटा, 4, क्यों बोला, चाहे 0 डाल दूं, चाहे 2 डाल दूं, चाहे 4 डाल दूं, चाहे 5 डाल दूं, फिर अगले को डालने के लिए कितने तरीके रह गए, 3, क्या बोला, चाहे मैं 5 डाल दूं, तो कितने टोटल वेज हो गए, 5, 4, 20, 23, 60, 62, 120 वेज, सोचना। अब यही मैं क्या करता, सोचो अब यही कोई बच्चा क्या करता, D1, D2, D3, D4, अब वो पहली प्रेफरेंस इसी को देता, फर्स्ट प्रेफरेंस को इसको ही देता, रिस्क को ही, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देता, रिस्क को ही देता, रिस्क का मतलब क्या होता, सोचो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 छोड़ के डाल दो, 5 वेज है, मान लो 2 डाल देता, तो यहाँ से 2 खत्म हो जाता, फिर यहाँ पे क्या डालता, दूसरी प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, समझ भी रहे हो, प्रेफरेंस लिखा हुआ है, प्रेफरेंस कंडीशन को देता, तो कंडीशन में डालने के लिए कितने तरीके हो जाते हैं, 1 भी डाल सकता था यहाँ पे, सोचो 1 भी डाल सकता हूँ, 3 भी, 5 भी, तो कितने वेज हो गए, 3 वेज, यही खराब हो गया, ये 5 तरीके, 3 तरीके, यहाँ ये 5 तरीके और यहाँ पे यहाँ कितने तरीके आते, सोचो 2 तरीके, सोचो मैंने, मान लो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया था, 1 डाल दिया, मान लो 3 डाल दिया, 3 वेज से 3 डाल दिया, अब अगले को बनने के लिए 4, अगले को बनने के लिए 3 वेज, सोचना 20, 60, 60 से 180, तो ये क्या आंसर ही अलग अलग आ रहे हैं भाई, आंसर अलग अलग आ रहे हैं, आराम से सोचो। जो बच्चा पहले पहली प्रेफरेंस रिस्क को देगा, सोचना पहली प्रेफरेंस किसको देगा, रिस्क को देगा, उसका आंसर अलग आएगा, तो क्या रिस्क अलग आएगा, सोचो जरा कि पहला D1 है, D1 को मैंने भरना है, तो 5 वेज है, क्यों, पहली प्रेफरेंस मैंने किसको दे दिया, रिस्क को, यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो मैं 3 भी डाल सकता था, 2 भी, 1 भी, 4 भी, 5, मैंने 3 डाल दिया और नंबर डाल दिया, तो इसको बनने के 3 तरीके, अगले को बनने के लिए फिर मैंने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी, कंडीशन को, कि 0 डाल सकता तो 1 डाल सकता हूँ या 5, क्यों, 3 तो ऑलरेडी डल गया था, 2 वेज या 5 या 2, पर यहाँ अगर मैं 2 डाल दूँ 5 वेज से, तो यहाँ डालने के मेरे 3 तरीके बचते हैं, कौन कौन से, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5,
तो यहाँ ही अलग आ गया, इसका 180 120 ये तो गलत है। अब यहाँ देखो मैं पहली प्रेफरेंस किसको दूंगा, सोचना जरा, कंडीशन को। कंडीशन का मतलब इसको बनने के लिए क्या होगा, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा कंडीशन को। कंडीशन को बनने के लिए कितने तरीके होंगे बताओ, वन भर लो, यहाँ पे वन भर लो, चाहे थ्री भर लो, वन भर लो, चाहे थ्री भर लो, सोचो वन भर लो, थ्री भर लो, फाइव भर लो। मान लो आप थ्री भर देते हो तो इसको बनने के लिए तीन वेज थे, सोचा जाए। फिर दूसरी प्रेफरेंस किसको दूंगा, कंडीशन को। सेकेंड, इधर ध्यान देना, ये तो उधर हो गया। सेकेंड प्रेफरेंस किसको दूंगा, कंडीशन को, दे दो सेकेंड प्रेफरेंस कंडीशन को, सॉरी रिस्क को। सेकेंड प्रेफरेंस किसको दूंगा, रिस्क को, रिस्क को। तो अब मैंने तीन तो भर दिया, नंबर है कहाँ मेरे पास, सोचो जरा नंबर कौन कौन से दिखा बताओ, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तीन तो मैंने भर दिया। तो डीमन को बनने के लिए कितने तरीके हैं, सेकंड प्रेफरेंस रिस्क को देना है, एक दो तीन चार हैं। क्यों, या मैं जीरो नहीं डाल सकता, या जीरो डालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं कितने वेज है, चार वेज, चाहे वन डाल दो, चाहे टू, चाहे थ्री, फोर, मैंने वन डाल दिया, मान लो तो चाहे जो मर्जी डाल दो, फिर वन भी खत्म हो गया। तो कितने नंबर रह गए, पांच चार दो जीरो, अगले को डालने के चार, फिर अगले को डालने के लिए कितने तरीके रह गए, चाहे जीरो डाल दो। अब क्या दिक्कत है, जीरो ना तो ऑड खराब किया ना डीवन खराब किया, फिर अगले को डालने के लिए कितने तरीके हैं, तीन, चाहे आप क्या डाल दो, फोर डाल दो, नंबर बन गया। तो कितने तरीके आ गए, फोर फोर था 16, 16 थ्री था 48, 48 हो गया ना, 48 थ्री था 144 आ गया, सोचो जरा। तो कितना आ गया, सोचो जरा, 144। तो इसका आंसर कितना है, 144। आपका कितना है, 120, किसी का 180। तो ये सारे गलत हैं, ये ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोल रहा है यहाँ पे तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इसलिए गलत है। सर ये क्यों गलत है, अरे भाई किसी का आंसर 120 निकाल रहे हैं, कोई बच्चा 180 निकाल रहे हैं, ये तो गलत है। कि आप क्या डाल रहे हो उसको, अगर आप पहले प्रेफरेंस उसको देते हो रिस्क को, तो यहाँ और डालोगे तो यहाँ प्लेसेस बच जाती हैं दो, और यहाँ अगर इवन नंबर डाल दो तो यहाँ प्लेसेस बच जाते तीन, तो गड़बड़ है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है कंडीशन को, अगर समझ आता है आपको पढ़ो दिमाग से, सुनो लेक्चर को दोबारा, पहली प्रेफरेंस किसको दोगे, कंडीशन को, ठीक है। या तो क्या भर दो, कंडीशन क्या भर दो, या तो वन भर दो, या थ्री, या फाइव, फिर अगली प्रेफरेंस रिस्क को, बीच में से नहीं भरना, पहली कंडीशन सेकंड रिस्क, बस ये बात ध्यान रखना। अगर ये बात आपकी समझ में चलती है कि फर्स्ट फर्स्ट दूसरी, बस फिर आपका कभी क्वेश्चन नहीं गलती होगा। चलिए ओके बाय, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बाय।